चाप महाराज तो आज के लिए बादशाह टीवी का ओरिजिनल जिसका पता अब देखो ये काज मिल गया है हमको डीजल का 30 तो का डीजल का 30 अरे लोग वाइन शॉप किने गए मैंने तो नॉन स्टॉप पुलिस को जा गए আর এনেকুৱা ভিতৰৰ পৰিৱেশ বান্দ্ৰাই কিয় বান্দ্ৰাই আমাক ভি পতা নাই খেল ৰে বাচ্চি লোক সব লোক ভূটান কাৰণ চি চাই আজি গিফ্ট দে দিয়া থেংক ইউ तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ और एक न्यू वीडियो में। तो अभी सुबह हुए थे तो अभी थोड़ी देर हो गई, अभी सारे से बस के निकल चुका है। तो अभी मैं उस छत के ऊपर और छत के ऊपर आया था, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो का स्टार्टिंग यहीं से कर देते। तो इधर से देखो पूरा नज़ारा हमारा बाहर का तो ऐसा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी मतलब अमेजिंग प्लेस में, तो वीडियो पे बने रहिए सब लोग। और तो निकल रहे हैं भूटान के लिए, भूटान के आज इंडिया से बाहर निकलने वाले है। আৰু এনেদৰে মোৰ একমাত্ৰ সাৰথি এই জেকেটটোক লৈ মানে এই ৰাইডিং জেকেটটো লৈ মই ওলালোঁ ভূটানলৈ। আৰু এনেদৰে ওলালোঁ আৰু গাড়ীখনত আজি অলপ পানী চানি মাৰি দিছোঁ, ইমান লং ৰাইড এটা যাম, সেইকাৰণে অলপ পূজা চূজা কৰি ল'লোঁ যে বিশ্বকৰ্মা বাবা। আৰু এফালে মা আৰু দেউতাও আছে, তো মা দেউতাৰ শুভেচ্ছা লৈ তো এতিয়া বলক এইফালে নীলিম আহি গেল আৰু এটা নতুন ভাই লগ পাইছো পল্লৱ পল্লৱ। তো আমি চাৰিজনে যাই আছো এতিয়া। আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব, তো তাৰপিছত আমি পাম আৰু গাড়ী। और यहाँ पे एक छोटा छोटा वाटर क्रॉसिंग भी है जो हम लोग कर रहे हैं। और इधर से पूरा पहाड़ी इलाका शुरू होता है। और आगे देखो भूटान का एक गाड़ी भी है। तो गाइस इधर से जाने का नहीं, हम लोग सीधा हाईवे से जाने का। और मैंने इसलिए रास्ता नाइल इन्हें आलबाव रास्ता देखे हुए गूगल करते हम लोग आपको हाईवे वाले जाए सो कहते हैं बोला जाए जाओ संद्रूप संता अरे ब्राजी तो हाईवे दिखी लो आपको तो इतने जाए जाओ बोला अरे यहाँ पे हाईवे से यही कितने तो हम जाए जाओ चलो আহিবাছিলোঁ মানে পাম আৰু 2-3 কিলোমিটাৰ এনেকৈ আছে আৰু। তো এতিয়া আমি অলপমান ৰখিছোঁ ইয়াতে। কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাওক, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইফালে গুলি ফুটি আছে, ইফালে ইফালে কি ফুটি আছে, গুলি ফুটি আছে, পুরো একদম উড়ে আছে, আমি গিয়ে মাতা আছে মানে ফটো মারবে কারণ হাল্লা করে আছে দেখ। और गाइस इधर हमारा फोटोशॉट वगैरह हो गया, अभी हम चलते हैं क्योंकि ज्यादा देर तो ऑलमोस्ट देर हो चुका है। हेलो गाइस 11 बज गए अभी, तो इधर जाइडा को नहीं की बोलो बोलो फिर लास्ट क्रीम हाल लाओ मैं ए भाई साहब ये बाबा अरे तू निशान का दिखा रहा है ए कुमा मुड़बो एकला आते हैं
আইসক্রিম সাইসক্রিম খাই ললো, এতিয়া আমি যাই থাকো আর মানে ও দেখা কি দিছিলো হেৰি তো মনা মনা গেলি নকোয়াকে আমাক কবা নলি বোলে কি কম আর তো কি কলিত অন্ত নক আর এই আজি সাত দিনের দিয়ে ধরলক দেখছু এটাই কয়ে কে মোর গা বেয়া तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं गेट, ये है भूटान का गेट और इधर परमिट मतलब एक कार्ड देता है, तो कार्ड के लिए बादशाह टिकट का ओरिजिनल जिसका फतार आई नहीं है और फतार आई ओरिजिनल चाहिए, तो इसमें जमा करने के बाद एक कार्ड देता है छोटा सा कार्ड को, मतलब जब यहाँ से निकलो ना तो सब निकल के भूटान आई ओरिजिनल वगैरह ले जा सकते हैं। गेट 4:30 तक ही अवेलेबल है, इसके बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा इधर, और अगर इधर में रुक सकते हो तो 1400-1600 पर पर्सन का। और ये एक गेट और हम लोग अंदर आ गया, ये कार्ड देखो, ये कार्ड मिल गया है हमको। गाइस हम लोगों के हाथ में ये आ गया है कैजुअल विजिटर कार्ड, ऐसा होता है, और हम लोगों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये बादशाह सर्टिफिकेट सबमिट किया है और हम लोगों ने भूटान कार्ड का ओरिजिनल कॉपी सबमिट कर दिया है, तो ये मिल गया है। अभी जब हम बाहर जाएंगे तो इसको रख के ओरिजिनल ले जाएगा। तो अभी ये देखो तो गैस तेल एकदम कम है, फर्स्ट टाइम इंडिया बाहर जाएगा नहीं लगती শান্তি এটা পাইছো, গরম হয়েছে কিন্তু শান্তি পাইছো। অসমের বাইরেতে যাওয়া নাছিল, ইন্ডিয়ার বাইরে যাই গেছি নাকি কি করবি? নো পাসপোর্ট, और हम लोग पैदल जा रहा है अभी, बाइक रख के आएगा क्योंकि लाइसेंस आर सी सब कुछ ओरिजिनल चाहिए इसीलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सांडुक जंखर के जो मॉनेस्ट्री है उसमें जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर। तो अभी ब्रिज देखो कितना सुंदर लग रहा है, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है कुछ भाषा में, पता नहीं कौन सी भाषा है। और इधर से देखो पूरा झरना इधर बहता हुआ आ रहा है, इधर भी बहता हुआ आ रहा है, और अभी ब्रिज का नज़ारा कुछ ऐसा है, तो मतलब पुलिस घूमता रहता है इसीलिए ज़्यादा देर इधर रुकना नहीं है, है कि नहीं? ठीक नहीं है, तो पुलिस लोगों पकड़ लिया ना मम्मी पापा रोएगा। तो इधर पुलिस का बाइक घूमता ही रहता है। तो अभी जाते हैं हम लोग अंदर, तो गाइस इधर हम लोग एक दुकान पे आए थे, तो थोड़ा ठंडा हो गला वाला, गला वगैरह ठंडा कर लेते हैं। तो इसमें 15 रुपीज है और ये कोका कोला हाफ लीटर का 30 रुपीज है, हमारे इधर 30 से ज़्यादा कितना है 45 है ना, 45 है इसमें इसका, और इधर देखो 30 रुपीज में मिल रहा है इधर। तो हम लोग ये कोका कोला पी लेते हैं, तो इसका प्राइस देखो 15 रुपीज है, ये चिप्स का 15 रुपीज है, तो थोड़ा डिफरेंस है लेकिन ये प्राइस ही इतना है, 15 प्राइस ही है। इंडिया से इंपोर्ट करने से मतलब GST वगैरह लग के या प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए शायद से ये इंडिया में मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ है इसलिए शायद प्राइस भी ज़्यादा है। तो गाइस कोनेर को उन्ती साहब की डांगर घूमे जो घूमे ने कौन, गाइस ये शॉप का ओनर है मेन, तो ये मिल रहा है कितने में? 5 रुपए में 3 मिल रहे हैं, और हमारे उधर में मिलता था एक, पहले मिलता था बहुत, आजकल तो नहीं मिलता है, बैन हो गया। ये तो सब इंडिया से आता है, प्रोडक्शन भूटान का नहीं है, ये
अच्छा इंडिया का, इंडिया का ही है ना, इंडिया का से इंडिया में नहीं मिल रहा। हाँ नहीं मिल रहा, लोग नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आता है ना जब मेला पर। हाँ तो अभी फुतान का पैसा मिल रहा है हम लोगों को, शिखर तो ये देखो फुतान का पैसा मिल गया हम लोगों को। फिर चालीस चालीस सबसे छोटा एक रुपया, तो अभी हम लोग एक रुपया दिखने वाले है। ये हम लोग तो ये है एक रुपया, तो एक रुपया ऐसा आता है। तो ये इंडियन करेंसी में कितना है? अच्छा मतलब ये एक रुपया ही है। एक ले लू तो इसको गिफ्ट दे दिया हम लोगों को, हमको गिफ्ट दे, थैंक यू। भुगतान का पैसे ले रहा है अभी। नहीं अभी हम लोग घूमने के लिए जाएगा उधर, फिर आएगा। तो ये आया नहीं एक ऑर्डर का। हाँ भूख लगा था बहुत, सुबह आए थे ना, ऐसे करो तो इसलिए थोड़ा देर हो गया। बस खाना वगैरह खा लिया, अभी सब लोग कह रहे हैं भुगतान करेंसी ले रहे हैं सब लोगों को। भुगतान करेंसी ही सही है अभी। मुझे दे दिया 10 का 1, 5 का 2। तो ये देखो 5 रुपया कौन सा है? 5 रुपया ये 5 रुपया वाला है, यहाँ पे 5 लिखा ना, ये 5 रुपया, ये भी 5 रुपया और ये 10 रुपया। तो ऐसा है पैसा, अभी भुगतान का हो गया ना पूरा। तो गाइस ये लोग तो भुगतान का हो गया, अभी मैं अकेला घर में जाऊंगा, ये लोग इधर ही रहेगा। इसने तो पूरा 500 रुपया ले लिया भुगतान करेंसी, क्या करेगा पता नहीं। हम लोगों ने सोचा है पूरा 1 रुपया 10 रुपया जो भी है सब लेमिनेशन करके रखेंगे, लेकिन बात तो सही है। मुझे भी खाना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। चलो मेरा पेन खुली खुली जा रहा है, पेन का बेल नहीं है इसलिए पेन थोड़ा लूज हो गया है, खुली खुली जा रहा है। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गेट में, और गेट में एक भाषा लिखा हुआ है, क्या भाषा पता नहीं, भूतानी भाषा है शायद, भूतानी भाषा है। अभी हम लोग अंदर जाने वाले, ये मेन गेट है, तो इधर से हम लोगों को अंदर जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे फिर बात करेंगे। मतलब इधर सब कुछ एक जैसा ही लगता है, एक सब कुछ एक जैसा है, गेट भी एक जैसा, देखो चारों तरफ मतलब सब सेम है, ऐसा लगता है कि कौन सा है कौन सा है ये पता नहीं है। तो इधर मोनेस्टिक इधर है, हम लोगों को पूछते हैं अभी। मोनेस्टिक इधर है, मोनेस्टिक इधर है, मोनेस्टिक मोनेस्टिक इधर जो एक मोनेस्टिक था ना, लामा को पूजा का। हाँ पूजा का, थैंक यू थैंक यू। ये हम लोग साइना में आ गए क्या? ये हम लोग साइना का जैसा माहौल लग रहा है। हाँ तो अभी हम लोग अंदर आ गए, लेकिन किया जगह कौन सा है हम लोगों को कुछ पता नहीं है, फिर भी हम लोग घूम रहे हैं। स्कूल ले गया, ये स्कूल ले गया, हिंदी वहां समझने की जिंदगी। हम लोग इधर घूमने आए थे थोड़ा, और इधर बच्चे लोग देखो खेल रहे हैं, तो ऐसा खेल रहे हैं। हाय बोल दो, हाय हाय कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, हाय। तो इधर ऐसे खेल रहा है, तो अभी ये बन रहा है, क्या बन रहा है हमको भी पता नहीं है, खेल रहे हैं बच्चे लोग। भाषा नहीं, ये होता है हमारा भाषा बुझी नहीं पाया, बुझी नहीं पाया, बुझी नहीं पाया, नहीं पता है, लैंग्वेज नहीं आता हमारा, इंडियन लैंग्वेज इन लोगों को नहीं आता, कुछ समझता नहीं है। और इधर देखो एक हॉस्पिटल भी है, इसका हॉस्पिटल देखो कैसा है, घर जैसा है। हम लोगों को ऐसे वो लोग समझता नहीं है, हम लोगों का हिंदी भाषा भी नहीं समझता है, इंग्लिश भी नहीं समझता है, तो उन लोग भूतान का जो भाषा है वो लोग वही बोलता है, वही समझता है। इधर से जाएगा क्या? तो गाइस ये देखो बहुत अच्छी चीज मिला है, ये ग्लास लगा हुआ है, जो इसको ऐसा हम लोग ऐसा हो जाता है। तो रास्ते के पास में ये लगा हुआ है, देखो एक फोटो खींच लो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए, इतना देर घूमने के बाद इस ऐसा धूप में, देखो कितना धूप है, 6 किलोमीटर हम लोग पूरा घूम के अंदर अभी हम लोग पहुंच गए इधर।
ये देखो यहाँ से दिया इधर से हो यहाँ के हो ऐसा घुमाता है ना इसे ऐसा घुमाता है अरे इन्हें को घूरे 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 पूरा साइडे साइडे घूर लगे एक पाक আৰু গাইছ ইয়াৰে মানে কিবা এটা ভাষা এইটো কি ভাষা গম নাপাওঁ বুজি নাপাওঁ তো এনেকুৱা ভাষা এটা লেখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক আৰু গাইছ ইয়াতে পানী চানি পাই গ'লোঁ আমি এতিয়া মুখ চুখ ধুলোঁ গৰমত কয়লে পৰি গৈছে কেত কেতিয়া কয়লে গৈছে গোটাম খাই তো চব্জি মাৰ্কেট কি চাম আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ আৰু এটা ভিউ পইণ্টলৈ তো ভিউ পইণ্টত মানে ব্ৰিজ এখন আছে তো তাতে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিখন ডাঙৰ ডাঙৰ মাৰ্কেট সেইখনতো যাম তো এতিয়া যাই আছোঁ তাতে মুখ চুখ ধুলোঁ তো মই মুখটো ধুলোঁ तो यहाँ पर मुँह वगैरह थो के चलते है चलो हमारे उधर जैसे 100 पे डायन करने से पुलिस में लगता है तो इधर 11 है डायल कर अभी हम लोग एक और टेम्पल क्या बोलते पता नहीं लेकिन इधर मिल गया ये बड़ा वाला वो तो छोटा वाला था लेकिन ये बड़ा वाला है तो अभी मैं इसको घुमाने के लिए जा रहा हूँ ऐसा मतलब फोटो में दिखा था पहले फोटो में वीडियो में तो अभी खुद से घुमाने के लिए जा रहा हूँ बहुत मन था और गाइस ये जो अंकल है ना अंकल मतलब दादा है तो ये दादा तो इसको हमेशा मतलब घुमाता ही रहता है इसको रुकने नहीं देता है तो कभी कभी जब लोग इसे घुमाता है तब रुक जाता है थोड़ा रेस्ट मिलता है उनको और बाकी टाइम तो घुमाता ही रहता है जब अभी तो पल्लव घुमा रहा है इसलिए वो रेस्ट कर रहा है अभी देखो फिर से आ गया तो ऐसा घुमाता ही रहता है अभी रुक गया है अभी ये घुमा रहा है इसलिए रुक गया है बस अभी हम लोग मार्केट में पहुंच गए और मार्केट देखो ऐसा है पूरा इधर बिल्डिंग देखो कितना सब कुछ एक जैसा ही है बिल्डिंग वगैरह तो ये देखो चप्पल जूता बैग पूरा मार्केट लगा है लेकिन देखने में ये मार्केट जैसा नहीं लगता आप लोग देखो तो गुवाहाटी की एक गोली की तरह है लेकिन इसका जो बिल्डिंग का स्टाइल है ना वो बहुत मतलब अच्छा लगा हम लोगों को अब ये सब भूटान का मार्केट का व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को इधर आप लोगों को पार्किंग का नज़ारा दिखाता हो तो ऐसे ऐसे पार्किंग रखता है देखो कितना डिसिप्लिन में रखा है पूरा ऐसा पार्किंग है तो ये जो लाइन है ना दो दो इस लाइन के अंदर में गाड़ी 13 करके रखना पड़ता है तो ऐसा पूरा गाड़ी रखता है और इधर से गाड़ी जाता है ऐसे तो गाइस अभी हम लोग मार्केट पे है और ये जो है ये मेन मोनेस्ट्री है ये मेन मोनेस्ट्री है इधर हम लोग आ रहे हैं अभी पहले जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज तो ये है फुतानी पैसा तो अभी इससे ले लेते हैं कोको कोला पी के अभी चलते हैं हैंगिंग ब्रिज में तो ये देखो वाइन शॉप पूरा खुला हुआ है हमारा इधर ग्रिल लगता है इधर लेकिन इधर पूरा खुला है तो कोका कोला पी के आ गया हम लोग भूटान के हैंगिंग ब्रिज में तो अभी ऊपर चलते हैं चलो और गाइस सच्चा मैं ऊपर उतर आया हूं हैंगिंग ब्रिज और ऊपर तो ये हम साहब तो ये नुको पूरा फोटो सोटो तुल पे रील्स बनाबो बोरे यार आमी मारिम रवा और पूरा ऐसा तुम लोग और पूरा ऐसा मारी गत तो ये होल हैंगिंग ब्रिज तो आप लोग देख का देख सकते हैं कैसा नज़ारा है इधर का और इधर से पूरा अभी ये पानी कम है लेकिन जब बारिश होगा ना तो ये पानी पूरा फुल भरती हो जाएगा इधर पानी तो गाइस इधर में एक रैपर मिला था जो भूटान का है भूटान का लोकल का है
तो उसका गाना आप लोग सुन लीजिए। तो गाइस रैप 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 बस म आउँछु म आसम आएपछि साल लम ठोक्छु मेरो साथी सबै साथमा छु आजको दिनमा साथी साथ छैन प्रब्लम न हुँदाखेरि साथी छैन रे साथी लु लभ के पिस आउट अब रैपर हो कौन से हो आपका नाम क्या है एके बबला एके बबला एके बबला आप कुछ बोल दीजिए एके बबला सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दिस चैनल ओके। तो गाइस आप लोगों को ये रैप कैसा लगा है कमेंट कर दीजिए और ऐसा लोगों को मिलने से मतलब बहुत अच्छा लगता है और मन को तसल्ली भी मिल जाता है। तो एक रैप आप लोगों को भी सुना दिया तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो यह है कि लोकल के ये आप लोगों को कैसा लगा रैप सॉन्ग और आप लोग इसका व्यू देखिए एकदम पूरा व्यू देखिए। क्या नाम जाओ दिया रो गाइस केने लागिल लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिबो अब कमेन्ट किन चाहिँ लाग्बो यति भिडियो केने लागिल निश्चय कब ए होल पाम। तो गाइस एतु होल मेन मोनेस्ट्री तो यार भितरत एनाके जाबा लागे खुमाबा लागे एखन गेट आमी इतु खुमालो आरो इतु चो एनाके माने खुरुवा बस्तु गिले आसे एनो कोन थालबे खुरुवा आमी साबा लागे बस्तुते जंगा जंगा खुरेबा नबा आरो एनुका भितरर परिबेख तो एनुका सागा पाबाय এইবিলাক ওয়াইন চক কেনেকে আছে আর এই ফালে ট্রেফিক পুলিশ মানে এতে নন স্টপ পুলিশ করে থাকে ও কিসে আসা। তো গাইস আমি ভুটানকে ফার্স্ট তেল দিতে আয়ে থে তো ইধার দেখো ভিতর কিতনা আয়ে 69 ঠিক কম আর কিন্তু ইয়ার মানে বাইরে লই যাব নরা ভিতর গাড়ি আনি কিনে তেল ভরে লই যাব পারিব। তো গাইস আজি খানা পিনা হয়ে গেছে আজি হাম চলতে এই ঘর মে তো ভিডিও কো আচ্ছা লাগা তো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব জরুর কর দেনা আজি নেক্সট ভিডিও পে মিলতে আজি কে লিয়ে বাই বাই এন্ড বাই বাই ভুটান।